हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए, मैं नहा धोकर मैंने सारा काम जो है वो फिनिश कर लिया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने खाना भी बना लिया है, जो भी जैसे कि लंच है। और अभी मैं तैयार होकर जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने। अभी मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने अपने बाल भी कॉम कर लिए हैं और आज मैं ना अपने बाल को धुली हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने। अगर वैक्सीन लगवाते वक्त मुझे फीवर आ जाएगा तो मैं बाल वगैरह धुल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे शनिवार को व्रत रहना है पूर्णिमा का। तो इसलिए मैं अपना बाल भी आज धुल ली हूँ। लंच मैं तैयार करके जा रही हूँ कि बस बच्चे आएंगे उनको लंच करना रहेगा। हाँ, सिर्फ मुझे वैक्सीन लगेगा, मेरा फर्स्ट डोज है और इनका वैक्सीन लग चुका है। इनको 23 दिसंबर को दूसरा डोज लगेगा। अपना ये 23 दिसंबर को लगवाएंगे और मैं अपना फर्स्ट डोज लगवाने जा रही हूँ। और बाकी के सारे काम मैंने कर लिए हैं। लाइट ऑफ है, दिखाती हूँ। ये देखिए, लंच वगैरह सब बन चुका है। आज मैंने बनाया है गट्टे की सब्जी, दाल, चावल। किचन भी पूरा क्लीन हो गया है, बर्तन भी वॉश कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं निकलने वाली थी वैसे हस्बैंड बोल रहे थे कि और फुल बाजू का तुम सूट पहनी हो और बाजू में ही वैक्सीन लगेगा, कैसे लगवाओगी। तो मैंने अपना सूट जो है वो चेंज कर दिया है और अभी देखिए मैं आ गई हूँ जहाँ पे वैक्सीन लगेगा। तो मुझे वैक्सीन लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मुझे फीवर आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मुझे थोड़ी सी उल्टी हुई और थोड़ा सा बस हाथ नहीं उठ रहा था, दो दिन तक हाथ नहीं उठा, फिर हाथ भी ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं आई थी वैक्सीन लगवाने, बिल्कुल ये घर के जैसा था, पर यहाँ पे सरकारी काम ही होते थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 10 मिनट का रास्ता था मेरे घर से। तो बस वैक्सीन लग गई है मेरी। और अभी देखिए सुबह हो चुकी है, सुबह के आज मुझे बहुत लेट हो गया है। अभी बज रहा है 10:30। ऐसा कभी नहीं होता है कि 10:30 बजे मैं पूजा करके उठूँ, पर आज सैटरडे था ना, तो पूरे घर का मैंने आज हल्का हल्का ही सफाई किया है। जैसे डीप क्लीनिंग नहीं की है, बस डस्टिंग किया है। जैसे कि झाले वगैरह लग गए थे वो मैंने साफ़ कर दिया है, और अंदर अंदर से जैसे बेड अलमारी के नीचे से और बाकी सभी चीज़ के नीचे, बेड के नीचे से सारे जो गंदगी है वो सब आज निकाली है। उतना निकला नहीं है, बस गर्दा निकला है। तो इस वजह से मुझे आज बहुत लेट हो गया है। पूरी सीढ़ी को साफ़ किया है, सीढ़ी पर पोछा भी लगाया है, तो इसी वजह से आज मुझे पूजा करने में बहुत लेट हो गया है। आज मेरा फास्ट है, पूर्णिमा का फास्ट, और दिन है सैटरडे, तारीख है 18 दिसंबर। और वहाँ देखिए पूजा मैंने अभी कर लिया है, तो अभी चलती हूँ किचन में। बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये वाली देखिए जो मायके से मिली थी मुझे। मायके से वैसे 3 साड़ी मुझे मिली थी, 3-4 साड़ी। तो अभी चलिए चलते हैं किचन में, कुछ बनाते हैं। पहले पानी चाय करती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पिया है ना, प्यास बहुत तेज़ी से लगा है और कुछ भी मैं अभी नहीं पी हूँ। और काफ़ी दिनों से आप लोग के साथ अपना रूटीन भी शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वैक्सीन लगवा के आई थी तो थोड़ा तबीयत सही नहीं था, फीवर मुझे बिल्कुल नहीं आया था। बट मेरा ये जो हाथ है ना, ये वाला यहाँ पर मुझे सुई लगा था, वैक्सीन लगा था, तो ये हाथ मेरा उठ ही नहीं रहा था, बहुत दर्द था, इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने अपने पैरों में अलता लगाया है, दिखाती हूँ। ये देखिए मुझे अलता बहुत अच्छा लगता है। आज मेरा फास्ट भी था, मैंने सोचा कि चलो आज अलता भी लगा लेती हूँ। और वैक्सीन लगा के जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था, क्योंकि मैं जब वैक्सीन लगा के आई थी तो मुझे मतलब जैसे वैक्सीन लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ ना कि मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रहा है, मुझे गैस बन गया था, उल्टी हो रही थी मुझे। इस वजह से उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। और वैक्सीन मुझे शायद मंगलवार को लगा था, हाँ मंगलवार को मुझे वैक्सीन लगा था, तारीख था 14 तारीख था, 14 दिसंबर को मुझे वैक्सीन लगा है। और ये मेरा फर्स्ट डोज है, क्योंकि मैं जब भी वैक्सीन लगवाना चाहती थी ना तो मुझे फ़ीवर हो जाता था। और फीवर जो आपको पता ही है कि अगर फीवर होगा तो वैक्सीन नहीं लगेगा, वैक्सीन की फीवर के दौरान वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। तो इस वजह से मेरा वैक्सीन इतना लेट मुझे वैक्सीन लगा, लेकिन चलिए फाइनली वैक्सीन मुझे लग ही गया, फर्स्ट डोज लग गया है। सेकेंड डोज शायद मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग में मेरा लगेगा। तो चलिए बात ज़्यादा नहीं करती हूँ, पहले चाय चढ़ा देती हूँ, फिर आगे देखती हूँ क्या बनाती हूँ आज। और अगर कुछ नहीं सूट कर पाऊँगी तो सीधे मैं आप लोग से इवनिंग में मिलूँगी।
तो चलिए पहले बनाते हैं चाय। फिर उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं बिल्कुल कैमरा उठा ही नहीं पाई और मैं सो गई थी सबको लंच कराने के बाद। फिर सीधे आप लोग से मिल रही हूँ मैं इवनिंग में, और इवनिंग में मुझे ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं था, तो पहले मैंने सोचा कि पूजा की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि पूर्णिमा के पूजा में काफ़ी टाइम जाता है, तो आधे एक घंटे पहले से ही मैं तैयारी कर लेती हूँ। फिर छत पे आती हूँ गोबर से, ये आसन जितनी दूर मुझे पूजा करनी होती उतना दूर मैं लीप देती हूँ गोबर से, और ये आटे से, हल्दी नहीं है मेरे पास पर आटे से और रोड़ी से मैं रंगोली बना लूँगी। रंगोली ही है ये, हाँ रंगोली बना लूँगी क्योंकि ये शुभ माना जाता है। मैं कोई भी पूजा करती हूँ तो आटे और हल्दी का ही इस्तेमाल करती हूँ, कुछ भी बनाने के लिए अपन वगैरह या चावल के आटे का। पर अभी हल्दी नहीं था तो मैंने रोड़ी से कुछ डिज़ाइन बना दिया। वैसे तो टाइम हो गया था और आज चंद्रमा इतना जल्दी निकल गए थे ना कि मैं क्या बताऊँ आपसे, मैंने तो अभी कोई तैयारी भी नहीं की थी और चाँद आ गया था। हर बार बहुत लेट होता है पर इस बार बहुत जल्दी आ गए थे। आज बहुत जल्दी उग गए चंदा मामा, जल्दी पूजा हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा सामान वगैरह रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, साथ में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग मेरा कैसा था। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और मुझे फुल सपोर्ट किया करिए। तो पूजा का जो है वो सारा तैयारी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि चाँद बहुत जल्दी आ गया था इस बार। इतना जल्दी वैसे आता नहीं है पर आज 5:30 बजे ही चाँद उग गया था, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ पहले। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है और पूजा करते करते काफ़ी लेट हो गया था, यानी कि 6:10 कम था, और फिर आरती वगैरह मैंने कर लिया है। अब मैं नीचे जाऊंगी। अब पूजा हो जाने के बाद, दिया जलने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था, आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं नीचे जाऊँगी। चाय वगैरह हमने पी लिया, हमने मतलब मैं और छवि, रुपेश तो भी कोचिंग गया है, जब वो कोचिंग से आएगा तो वो चाय पी लेगा, दे दूँगी उसे। और डिनर में देखती हूँ रुपेश जो बोलेगा वही बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड खाना खाएंगे नहीं, वो खा के ही आएंगे, अब बस दोनों बच्चे खाएंगे और मैं तो फास्ट ही हूँ तो मैं बस दही खा लूँगी, दही चीनी खा लूँगी, जो मैं चढ़ाती हूँ वही मैं खा लूँगी। और देखती हूँ रुपेश आता है क्या बताता है, बस वही डिनर में बना दूँगी, और नहीं होगा तो बस रोटी सेक दूँगी, वो बच्चे दूध से खा लेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा मैं कर दूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक किया करिए, व्यूज़ आते हैं पर लाइक नहीं आते, मैं बार बार कहती हूँ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं रूटीन शेयर करूँ क्योंकि रूटीन काफ़ी टाइम हो गया, मैं कोई भी रूटीन आपको के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करते हैं जो होगा मेरा रूटीन। तो अभी बाय बाय फ्रेंड्स।